राजस्थान में लोकसभा चुनाव के नतीजे बीजेपी के लिए अच्छे नहीं रहे। बीजेपी ने चुनाव से पहले इस बार भी 25 की 25 सीटें जीतने का दावा किया था, लेकिन पार्टी 14 सीटों पर ही जीत हासिल कर पाई, जिसके बाद अब पार्टी में हार पर मंथन का दौर चल रहा है। माना जा रहा है कि जल्द ही बीजेपी संगठन में बदलाव के बड़े फैसले ले सकती है। एक तरफ जहां तमाम लोग राजस्थान में बीजेपी के प्रदर्शन में आई गिरावट का एक कारण वसुंधरा राजे सिंधिया को किनारे करना बता रहे हैं, वहीं वसुंधरा फिलहाल ऐसी खामोशी ओढ़े हैं कि उनके अगले कदम का किसी को भी अंदाजा नहीं है। इस बीच हार का ठीकरा पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ पर भी मढ़ा गया। माना जा रहा है कि उन्होंने ही चूरू से राहुल कस्वां का टिकट कटवाया, जिससे वो कांग्रेस में चले गए। बीजेपी ने न सिर्फ ये सीट गंवाई बल्कि पार्टी को जाटों की नाराजगी भी झेलनी पड़ी, जिसका नुकसान पूरे राजस्थान में हुआ। देखिए, राजस्थान में एक वर्ष पूर्व ये सबकी भावना थी कि शायद 25 सीटें इस एमपी चुनाव में आएगी और तीसरी बार ये रिकॉर्ड बनेगा, लेकिन हमारे राजेंद्र राठौड़ मियाँ ने ये ऐसी गोटियां खेली वहाँ प्रदेश के अंदर और वहाँ केंद्र में जाके, उसके बाद में ऐसा नक्शा बिगड़ा कि जाट तो कोई बीजेपी के साथ जो समर्थक थे पूरे कट्टर वो भी नहीं रहे, बहुत बड़ा नुकसान इससे हुआ। भाटी के इस आरोप से घबराए राजेंद्र राठौड़ सीधे दिल्ली दरबार पहुंच गए। राठौड़ ने अमित शाह से मुलाकात की। कहा जा रहा है कि राठौड़ आलाकमान के बीच डैमेज कंट्रोल में जुट गए हैं। इस बीच माना जा रहा है कि प्रदेश में बीजेपी की कमान में फेरबदल भी हो सकता है। फिलहाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी हैं। हाल ही में ये सियासी चर्चा जोरों पर है कि प्रदेश में मुख्यमंत्री और पार्टी अध्यक्ष दोनों अहम पदों पर ब्राह्मण चेहरा नहीं होगा। ऐसे में मुमकिन है कि गाज सीपी जोशी पर गिरे। सीपी जोशी को हटाए जाने की चर्चा को इस बात से भी बल मिला है कि राज्य में बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। पूनिया ने इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया है, लेकिन माना जा रहा है कि ये प्रदेश में बीजेपी की कमान दोबारा उन्हें दिए जाने का संकेत हो सकता है। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सतीश पूनिया को अध्यक्ष पद से हटाया था और कमान सीपी जोशी को सौंप दी थी। अब पूनिया को दोबारा कमान सौंप कर बीजेपी अपनी गलती सुधार सकती है। राजस्थान में खराब प्रदर्शन के मुद्दे पर हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी, जिसमें हार पर लंबी चर्चा हुई। जानकारी के मुताबिक सीएम भजनलाल ने दिल्ली में 11 सीटों पर हार की रिपोर्ट सौंपी है, जिनमें एक बड़ा कारण भीतरघात को बताया गया है। चुनाव आज तक।